नमस्कार दोस्तों, अपने टॉपिक चल रहा था फलों की खेती के बारे में। तो आम हो गया था, अमरूद हो गया था, अनार हो गया था, और आज प्रत्येक बेर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज फ्रूट लेते हैं बेर। जो बेर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है जिजिफस मोरेशियाना, जिजिफस मोरेशियाना। ये तो हो गया भारतीय बेर या इंडियन बेर। और एक होता है चाइना वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? जिजिफस जुजुबी। क्या बोलते? जुजुबस जीजीबी के नाम से बोलते हैं। बात करें इसकी फैमिली के बारे में, तो बेर की फैमिली क्या होती है? रेमनेसी। तो ध्यान रखना है बेर की फैमिली का, क्या होती है बेर की फैमिली? रेमनेसी। बेर की फैमिली क्या होती है? रेमनेसी होती है। फिर बात करें इसके गुणसूत्र के बारे में, तो 2n बराबर कितना होता है बेर में 2n बराबर होते हैं 48। फिर बात करें उत्पत्ति स्थान की, तो बेर का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। क्या है बेर का उत्पत्ति स्थान? भारत या इंडो चाइना के नाम से भी बोल दो, इंडो चाइना। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो भारत चीन के पास से सटी हुई सीमा है भारत की, वहां पे इसका उत्तरी स्थान माना जाता है, तो उसको इंडो चाइना भी बोल देते हैं। फिर बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बेर का? सर्वाधिक उत्पादन होता है बेर का एमपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सॉरी कहा होता है? मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक बेर कहा होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक बेर कहा होता है? सर्वाधिक बेर होता है जयपुर में। कहां पे? जयपुर में। जयपुर के बाद में भरतपुर में, भरतपुर के बाद में जोधपुर में, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर। तो इन जिलों में राजस्थान में बेर होते हैं, और जो सर्वाधिक बेर होते हैं वो कहाँ होते हैं? जयपुर में होते हैं। अब बात करें बेर के अन्य नाम, तो बेर को क्या बोलते हैं? गरीब का सेब भी बोलते हैं, गरीब का सेब, और शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है, शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है बेर को गरीब आदमी का सेब भी बोलते हैं, और शुष्क फलों का राजा भी कहा जाता है। फिर बात करें बेर में विटामिन, तो बेर में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। कौन सा विटामिन? सी। ध्यान रखना है बेर में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, और इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? 85 mg पर 100 ग्राम। कितनी? 85 mg प्रति 100 ग्राम। बेर में 85 mg विटामिन सी पाया जाता है, और सी के अलावा विटामिन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कौन सा विटामिन पाया जाता है बेर में? विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर
फिर बात करें इसकी जलवायु की, बात करें जलवायु की तो बेल के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी? गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बात करें इसके तापमान की तो बेल के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह आसानी से उग जाता है। तो ध्यान रखना है कौन सी जलवायु का पौधा है, गर्म व शुष्क जलवायु का पौधा है। बात करें इसकी मृदा के बारे में, तो बेल के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा अच्छी रहती है और यह लवणीय व सारी भूमियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। लवणीय व सारी भूमियों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। बात करें इसके पीएच की, वह कितने पीएच की मृदाओं पर यह आसानी से उगाया जा रहा है? तो यह 8.5 पीएच की मृदाओं में भी आसानी से उगाया जाता है। तो ध्यान रखना है बेल के लिए तो पीएच होता है वो 8.5 वाली मृदाओं में भी उगाया जा सकता है। अब बात करें इसके प्रवर्धन की, तो बेल में प्रवर्धन होता है तो टिबडिंग, टिबडिंग, सिल्डबडिंग, टिबडिंग है सिल्डबडिंग, टी कलिकाइन या सिल्ड कलिकाएं। तो ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है, टीबडी द्वारा, सिल्ड सिल्ड कलिकाएं के द्वारा। और इसका जो लैंगिक परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा, अलैंगिक या वानस्पतिक परिवर्तन टीबडी व सिल्डबडिंग के द्वारा। बात करते हैं इसके किस्मों के बारे में और जो इसका औसत वजन होगा बेर का, बेर में टीएसएस कितना होता है, टीएसएस 18% होता है। तो ध्यान रखना बेर में टीएसएस कितना प्रतिशत होगा, 18%। फिर बात करें इसका जो औसत भार, औसत वजन कितना होता है बेर का, बेर का औसत वजन होता है 14 ग्राम। कितना? और जो एक किस्म आती है इसकी उमरान, उसका वजन कितना होता है, उसका वजन होता है 35 ग्राम। और शहरवादी भारी किस्म है ये, शहरवादी बार वाली शहरवादी बार वाली किस्म। मतलब ध्यान रखना सबसे भारी फल कौन सी किस्म के होते हैं, उमरान किस्म के होते हैं, ध्यान रखना है। फिर बात करें इसकी पौध रोपण की, पौध रोपण की, तो पौध रोपण के लिए R into P क्या कितनी आवश्यकता होती है, R into P की 8 into 8 मीटर। बात करें इसके गड्ढे के आकार की, गड्ढे का आकार कितना रखते हैं इसमें, गड्ढे का आकार रखते हैं 1 into 1 into 1 मीटर। कितना? 1 into 1 into 1 मीटर। तो ध्यान रखना गड्ढे का आकार कितना रखते हैं, 1 मीटर रखते हैं। बात करें इसी किस्मों की, तो बेर के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है, इसकी किस्मों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है गेती, एक होती है मध्यम और पछेती।
अगेती मध्य बहुत फचेती। बात करें अगेती किस्मों की तो अगेती किस्मों में होती है गोला, थार सेविका, थार बूराज, नाजुक। ये भी अगेती किस्म होती है बेर की। बात करें मध्यम किस्मों की तो सेव, मुंडिया, केतली, जोगिया, मैरून कौन सी किस्में होती है मध्यम? शेर, मुंडिया, केतली, मैरून, जोगिया, मैरून और एक होती है चोमू लोकल। क्या होती है? चोमू लोकल। तो ध्यान रखना चोमू लोकल कौन सी किस्म है? मध्यम किस्म है। बात करें इसकी पचेती किस्मों की तो सबसे पचेती किस्म कौन सी? उमरान। ध्यान रखना है गोला होती है अगेती, छह मुंडिया, केतली ये मध्यम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी किस्म होती है पचेती? उमरान, इलायची। इलायची और पत्ता ये किस्म क्या होती है? पचेती किस्म होती है। और जो ये इलायची किस्म होती है वो क्या होती है? बीज रहित किस्म होती है। क्या होती है? बीज रहित किस्म होती है। तो इसका ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उमरान का ध्यान रखना है सबसे पचेती किस्म है, गोला का ध्यान रखना है सबसे अगेती किस्म है। तो इन किस्मों का भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इसके कीट व रोगों के बारे में, पहले प्रूनिंग के बारे में कर लेते हैं बात। प्रूनिंग तो बेर में सर्वाधिक या भारी प्रूनिंग की जाती है। ध्यान रखना सबसे भारी प्रूनिंग किसमें की जाती है? बेर में की जाती है। और फिर बात करें कब की जाती है, ये कब की जाती है? अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई में तो इसका ध्यान रखना है। फिर कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, तो अप्रैल मई में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करें इसमें पुष्पन, बेर में पुष्पन कब होता है? बेर में पुष्पन होता है अक्टूबर नवंबर में। कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। और फल कब पकते हैं? फल पकते हैं फरवरी मार्च में। जनवरी से पकना स्टार्ट करते हैं और मार्च और अप्रैल तक इनके फल पकते हैं। वो सर्वाधिक तो किस में होती है? वो कब पकती है? फरवरी मार्च में पकती है। अब बात करें इसके कीटों के बारे में, इनसे तो वे जो बेर का सर्वाधिक हानिकारक कीट होता है वो क्या होती है? फल मक्खी। फल मक्खी वैज्ञानिक में भाषा में बोले तो कारकोमिया वेस्पियाना। कार्पोमिया वेस्पियाना तो ध्यान रखना ये मक्खी क्या करती है? फलों पे अंडे दे देती है। और इसका आक्रमण कब कब होता है? जब फल अधपके या हरी अवस्था में होते। तो इससे क्या होता है? जो ये अंडे देने से जो कीड़े बोलते हैं बेर काणे हो जाते हैं, बेर काणे हो जाते हैं, आकार अच्छा नहीं होता है
और अंदर बेर के जो कीड़े होते हैं वो पड़ के पूरे गुद्दे को नष्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीट है इसका, बेर का वेरी इंपॉर्टेंट कीट है। तो ध्यान रखना, इसे फल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। बात भी इसके कंट्रोल की, तो इसका कंट्रोल के लिए या तो मिथाइल पैराथियन या तो मिथाइल पैराथियन 0.5% या डाइमिथाइड, या डाइमिथाइड 0.2% का क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे। तो ध्यान रखना, जो बेर में हानिकारक कीट कौन सा होता है, फल मक्खी। इसके बाद हम बात करते हैं रोग। डिजीज, तो बेर में जो हानिकारक रोग होता है वो कौन सा आता है, पाउडरी मिल्डू या छाछा। पाउडरी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू या छाछा, या इसको चूर्णिल आशिता भी बोल देते हैं। इसे क्या होता है, जो बोर का पौधा होता है उसमें पूरे पत्ती व फलों पे सफेद चूर्ण जैसा फैल जाता है, सफेद चूर्ण जैसे कण कण फैल जाते हैं। तो उसे क्या होता है, जो फल होता है उसका विकास नहीं हो पाता है और जो नई वृद्धि होती है वो भी रुक जाती है। किसके कारण होता है, ये होता है कवक के कारण। किसके कारण होता है, कवक के कारण। कवक का नाम होता है ओडियम स्पीसीज या ओडियम जुजुबी, ओडियम जुजुबी। तो ध्यान रखना है, जो पाउडरी मिल्डू बेर में होता है वो कवक के द्वारा होता है, और कौन से कवक के द्वारा, ओडियम जुजुबी के द्वारा होता है। इससे क्या होता है, पूरे पौधे पे सफेद कण सा चूर्ण फैल जाता है। तो इसका कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल क्या करेंगे, कोई भी रोग हो, पाउडरी मिल्डू किसी भी फसल में हो या किसी भी पौधे में हो, तो उसके लिए क्या लेते हैं, केराटिन। क्या लेते हैं, केराटिन 0.2% का स्प्रे कर देते हैं। बात करें इसके उपज की, तो बेल में उपज कितनी होती है, तो बेल में उपज होती है 80 से 120 केजी, 80 से 120 केजी पर प्लांट। तो ध्यान रखना है, बेर की उपज का भी आपको ध्यान रखना है। बात में इसकी सिंचाई की, तो सिंचाई गर्मियों में 7 दिन पे और सर्दियों में 15 दिन पे कर देते हैं। और जो ये सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई होती है बेर में, इसके इस कीट रोधी एक किस्म होती है दूधिया, दूध ये। इसका भी ध्यान रखना है, इस जो सफेद मक्खी होती है वो सफेद मक्खी का फल मक्खी होती है, उसके लिए रोग रोधी किस्म कौन सी है, कीट रोग रोधी, तो दूध ये किस्म है, ध्यान रखना। ये अपना बेर खत्म हो गया, थैंक यू, धन्यवाद।